गांधी जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे 3 दिवसीय सफाई अभियान में राष्ट्रीय सनातन वाहिनी ने भी सहभागिता करते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर सफाई अभियान चलाया। राष्ट्रीय सनातन वाहिनी के स्वयंसेवकों ने हाथ में झाड़ू और फावड़ा लेकर मोटे के महावीर मंदिर क्षेत्र में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सनातन वाहिनी की कार्यकारी अध्यक्ष गौरी तिवारी और जिलाध्यक्ष दिवाकर ताम्रकार ने बताया कि हम सभी को स्वच्छता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। हम सभी जब थोड़ी थोड़ी मेहनत कर स्वच्छता के कार्य में हिस्सा लेंगे तो हमारा शहर साफ स्वच्छ होगा। ये पूरी टीम खड़ी हुई है स्वच्छता पखवाड़ा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और आज 2 अक्टूबर भी है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो शहर में जो काफ़ी समय से देख रहे हैं जो सफाई कर्मी हड़ताल पर भी हैं तो काफ़ी गंदगी हो गई थी, तो इसी को लेते बस एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने सनातन वाहिनी निकल पड़ी है। फिर तो यही है सफाई अभियान के तहत पूरे जिले के मुख्य स्थानों पर सनातन वाहिनी का 3 दिवसीय सफाई अभियान चलेगा। वहाँ की जानकारी आप दे सकते हैं तिवारी जी से। सभी लोगों को सादर जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय सनातन वाहिनी की कार्यकारिणी अध्यक्ष गौरी तिवारी हूँ और आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है अपना जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है तो हमारे शहर को स्वच्छ करने के लिए और उसको सुंदर दिखाने के लिए हम लोगों ने भी उस अभियान में अपना श्रमदान दिया है। और जैसे कि हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहते रहते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो हम अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कैसे स्वच्छ बनाएंगे तो उसके लिए हमें अपने शहरों को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। और मेरा सभी से निवेदन है जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हर साल नहीं कह सकते लेकिन हाँ हर 4 बार से इंदौर शहर जो है वो क्लीन सिटी के नाम से उसको ओहदा मिलता जा रहा है कि सबसे क्लीन सिटी जो है वो इंदौर है और हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन भी है कि अपने घर अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ़ सुथरा रखें और सफाई के ऊपर खास ध्यान रखें ताकि हम आने वाले भविष्य को भी सुंदर बना सकें और अपने बच्चों को ये ज्ञान दे सकें कि सफाई कितनी ज़रूरी है।